नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस क्लास में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है डिजिटल डिवाइड। तो देखेंगे आखिर ये किस कारण अभी चर्चा में है और आखिर आपका क्या होता है डिजिटल डिवाइड, आखिर है क्या, इसे भी देख लेंगे। डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्व क्या है, उसे भी देख लेंगे। भारत में डिजिटलीकरण के समक्ष जो चुनौतियाँ यानी कि जो समस्याएं हैं इसके सामने, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। डिजिटल साक्षरता क्या है, इस पर भी चर्चा कर रही है। डिजिटल डिवाइड दूर करने हेतु सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, उस पर भी हम लोग देख लेंगे। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन क्या है, इसे भी देख लेंगे। जो आपकी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति है 2018, उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, डिजिटलीकरण के दौर में इंटरनेट संचार और सूचना प्राप्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। दशकों पूर्व इंटरनेट तक पहुंच को विलासिता का सूचक माना जाता था। वर्तमान में इंटरनेट सभी की जरूरत बन गया है। इसकी उपयोगिता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी के दौरान प्रभावित लोगों तक प्रशासनिक मदद व खाद्य सामग्री पहुंचाने के कार्य प्रभावी रूप से डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। इस वैश्विक संकट में डिजिटल माध्यम लाखों नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है। डिजिटल माध्यम से सहायता का यह रूप चाहे हेल्पलाइन नंबर के रूप में हो या फिर आरोग्य सेतु ऐप के रूप में हो, जन सरोकार व स्वास्थ्य की दिशा में उपयोगी साबित हो रहे हैं। डिजिटल साक्षरता के महत्व को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आने वाले निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा बनाते हुए इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। अब बात करते हैं क्या है आखिर डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभाव के संबंध में एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है। यह आमतौर पर इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग को लेकर विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों या फिर जनसांख्यिकीय श्रेणियों में व्यक्तियों, घरों, व्यवसायों या फिर भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानता का उल्लेख करता है। दुनिया के विभिन्न देशों या फिर क्षेत्रों के बीच विभाजन को वैश्विक डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील और विकसित देशों के बीच तकनीकी विभेद का उल्लेख करता है। बात करते हैं डिजिटलीकरण के में इंटरनेट का क्या महत्व है। इंटरनेट संचार हेतु एक अमूल्य उपकरण है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इंटरनेट की उपलब्धता ने वर्तमान युग में संचार को काफी आसान और फिर सुविधाजनक बना दिया है। इंटरनेट ने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर शिक्षा का विकल्प खोल दिया जिनके पास अब तक इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं के क्षेत्र में भी एक मजबूत क्रांति देखी गई। अब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की सूचना को कुछ ही मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। सूचना तक आसान पहुंच के कारण आम लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हुए हैं। सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। यह राजनीति एवं लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर प्रदान करने के सरकार के प्रयासों को भी बढ़ावा देता है। सभी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से सरकार की लागत में कमी को भी सुनिश्चित किया गया है। यह सरकार की जवाबदेही
और पारदर्शिता को भी बढ़ाता है, साथ ही सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सहायक हो सकता है। तो ये थे आपके डिजिटलीकरण में इंटरनेट का महत्व। बात करते हैं भारत में डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियां, आखिर समस्याएं क्या आती हैं। तो राष्ट्रीय पितृदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी कि NSSO द्वारा शिक्षा पर किए गए सर्वे से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 27% परिवार ही ऐसे हैं जहां किसी एक सदस्य के पास इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है। इंटरनेट की सीमित उपलब्धता डिजिटलीकरण के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है। भारत में केवल 12.5% छात्र ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। विगत कुछ वर्षों में कई निजी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप प्रदान किया गया है, जिनमें से कुछ तो सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं, जिसके कारण उन लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है जो डिजिटली निरक्षर हैं। किसी व्यक्ति के पास मोबाइल फोन का होना डिजिटल होने का प्रमाण नहीं है। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करता है तो भी वह स्वयं को डिजिटल सेवी नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो और वह इंटरनेट पर प्रासंगिक और समय पर जानकारी प्राप्त करना ना जानता हो। विश्वसनीय सूचना, बुनियादी ढांचे और डिजिटल साक्षरता की कमी से उत्पन्न होने वाली वाला डिजिटल डिवाइड सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण, बड़ा कारण है। भारत में अधिकांश मोबाइल व इंटरनेट की उपयोगकर्ता शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि भारत की कुल आबादी का 67% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारत में लिंग अंतराल दुनिया में सबसे अधिक है। जब यह मोबाइल उपयोग के स्वामित्व में तब्दील हो जाता है तो यह लिंग अंतराल और अधिक हो जाता है। भारत में लगभग 16% महिलाएं मोबाइल इंटरनेट से जुड़ी हैं, जो डिजिटलीकरण की दिशा में लैंगिक विभेद का स्पष्ट रेखांकन करता है। वर्ष 2016 के मध्य में जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि भारत में डिजिटल साक्षरता की दर 10% से भी कम है। डिजिटलीकरण के प्रसार के समक्ष एक अन्य सबसे बड़ी चुनौती अवसंरचना की कमी है। अब बात करते हैं डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का आशय उन तमाम तरह के कौशलों के एक समूह से है जो इंटरनेट का प्रयोग करने, डिजिटल दुनिया के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक है। क्योंकि प्रिंट माध्यम का दायरा धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारियों का दायरा व्यापक होता जा रहा है, इसलिए ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी को समझने के लिए डिजिटल साक्षरता आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है, जहां लगभग 460 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 तक भारत में अनुमानतः 700 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद होंगे, जो कि काफी बड़ी संख्या है आपकी। उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि भारत का इंटरनेट आधार काफी व्यापक है, जिसके कारण यहाँ डिजिटल साक्षरता का विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अब बात करते हैं डिजिटल डिवाइड दूर करने हेतु सरकार के प्रयास। भारत नेट कार्यक्रम, इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर दराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थाओं को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध कराना। भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 यानी कि 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत
आपकी ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 एमबी पर सेकेंड तक निर्धारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना का वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा किया गया था। इसके तहत स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किया गया है। बात करते हैं राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन की शुरुआत 2020 तक भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षरता बनाने के उद्देश्य से की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी दृष्टि से निरक्षर वयस्क की मदद करना ताकि वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपना स्थान खोज सकें। अब आपका राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। प्रत्येक नागरिक को 50 एमबी पर सेकंड की गति से सार्वभौमिक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1 जीबी पर सेकंड तथा वर्ष 2022 तक 10 जीबी पर सेकंड की कनेक्टिविटी प्रदान करना। राष्ट्रीय साइबर प्राधिकरण बनाकर राष्ट्रीय डिजिटल ग्रिड की स्थापना करना। ऐसे क्षेत्र जिन्हें अभी तक कवर नहीं किया गया है के लिए कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। डिजिटल संचार क्षेत्र के लिए 100 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पारितंत्र का विस्तार आपस में जुड़े 5 बिलियन उपकरणों तक करना। व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता तथा पसंद को सुरक्षित रखने वाले डिजिटल संचार के लिए व्यापक डाटा संरक्षण व्यवस्था का निर्माण करना। वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत की सक्रिय भागीदारी हेतु सहायता देना। यह आपका राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अंतर्गत ये सभी उद्देश्य शामिल हैं। अब देखते हैं आगे क्या राय हो सकती है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने व डिजिटल डिवाइड को दूर करने के लिए इंटरनेट का उपयोग और डिजिटल साक्षरता एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। अतः डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ साथ डिजिटल कौशल प्रदान करने पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भारत सरकार को डिजिटल संचार तकनीकी के क्षेत्र में अनिवार्य प्रमाणित पेटेंट का विकास करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि वह इस क्षेत्र में निवेश को प्राथमिकता दे, साथ ही देश में दूर संचार नियमों को और अधिक मजबूती प्रदान करें ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित हो। सरकार को डिजिटल संचार के क्षेत्र में नवोन्मेष आधारित स्टार्टअप्स प्रोत्साहित करने का कार्य करना चाहिए। तो ये था आपका डिजिटल डिवाइड के संदर्भ में आर्टिकल, ठीक है।